नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सी टीवी इंडिया न्यूज। हम इस समय उपस्थित हैं जनपद लखीमपुर खीरी की विकास खंड बिजुआ ग्राम पंचायत, यहां जैसा कि गोविंदापुर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि यहां पे लगातार टाइगर का आतंक यहां पे ग्रामीणों के घरों में घुस जाते हैं टाइगर। लेकिन यहां पे देखने वाली ये स्थिति है कि वन विभाग के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं जो वन विभाग के, उन लोगों के द्वारा यहाँ पे कई बार ऐसा हादसा हो चुका है। यहाँ पे एक सरदार जी थे, उनके यहाँ उसके लड़के को पंजा उंझा मारा और उसकी बकरिया को अपना निवाला बनाया। लेकिन आज देखने वाली ये स्थिति है कि यहाँ पे लाला राम जो ग्राम पंचायत यहाँ गोविंदापुर मंजरा उसका भूपुरा के रहने वाले हैं, उनकी बकरिया घर के पास में चर रही थी, उसको आज टाइगर ने अपना निवाला बनाया। लेकिन यहाँ पे देखने वाली ये स्थिति है कि आए दिन ये वन विभाग के जो जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, जो आए दिन ग्रामीणों को अपना निवाला बनाते रहते हैं और यहाँ पे जानवर जो छुट्टा जानवर हैं उनको निवाला बनाते रहते हैं। उसके बाद में जो ग्रामीणों के जो पालतू जानवर हैं, बकरियां हैं, बकरा हैं, इनको भी निवाला बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि इनके घर के पास में यहाँ पे टाइगर आया और इनकी बकरिया को निवाला बना लिया। देखने वाली ये स्थिति है कि यहाँ पे अगर जो कोई ग्रामीण होता तो उसकी आज स्थिति क्या होती, आज उसको वो निवाला बना लेता। लेकिन यहाँ पे वन विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनसे हम गुजारिश करना चाहेंगे, कम से कम आप जंगल को, जो ग्रामीण जब जंगल को जाते हैं आप उनको मना करते हैं, जंगल में नहीं जाने देते हैं, फिर आप अपने जो छुट्टा जो जानवर हैं उनको रोकिए और इनको अपने जंगल की तरफ ले जाइए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे आए दिन ऐसे ही ग्रामीणों को टाइगर और बाघ यहाँ पे मिलकर निवाला बनाते रहते हैं। लेकिन वन विभाग की यहाँ पे लापरवाही आप देख पा रहे होंगे। कुछ दिन पहले, चंद दिन पहले अभी एक पल्लनापुर में ये हादसा हुआ था जिसमें गुड्डू नाम के एक ग्रामीण को बाघ ने अपना निवाला बनाया था। उसके लिए पिंजरा भी लाया गया, टाइगर को पकड़ने के लिए पिंजरा लाया गया, लेकिन वो पिंजरा रखा कहाँ गया, खेतों में रख दिया गया है। आज वो कम से कम एक महीना के ऊपर हुआ जाता है, वो पिंजरा अभी भी रखा है, लेकिन टाइगर उसमें नहीं पकड़ा गया, क्योंकि उसमें वन विभाग की जो लापरवाहियां हैं वो हम आपको दिखाने का प्रयास करते रहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे वन विभाग की जो लापरवाही है और वो पिंजरा रख के उसके बाद में वन विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो लोग अपने मौज मस्ती से टहल रहे हैं। और देखने वाली ये स्थिति है कि यहाँ पे आप ग्रामीण सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि आए दिन यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम कैमरामैन से कहेंगे भैया थोड़ा पीछे दिखाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे रोड है, ये PWD की रोड है, उसी के पास में ये घर बने हुए हैं, ये सैनपुर से और ये अंबारा लिंक जो है उसी को जोड़ते हुए। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इन लोगों के द्वारा जो है इन लोगों को रात में निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि अभी दिन ही था और ये टाइगर जिस बकरिया को अपना निवाला बनाया। तो आइए हम वो बकरिया भी दिखाने का प्रयास करते हैं। और अभी तक वन विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे नहीं आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे कई बार उनको फोन की बकरिया है उनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि ये बकरिया थी तो थी कहाँ और कैसे क्या इसको आज बाघ ने अपना निवाला बनाया। पहले नाम बताओ। लाला राम। अच्छा, ये बकरिया कहाँ चल रही थी? बकरिया एक खम्भे के पास गन्नम चल रही थी। अच्छा, घर के पास में? हाँ, वहीं में घास नोच रहे थे। अच्छा अच्छा, हाँ। कौन वाला है इसे? शेर बड़ा वाला है। बड़ा वाला। अब ये वन विभाग वाले आए हैं क्या बता रहे हैं? सूचना कह रहा, फोन कह रहा ना, अब बाँचल लोग आए हैं, वही तो फाइव स्टार आए ने। का बताएं वे? कहने भाई आए रहे हैं। अच्छा अच्छा, देखे रहो कौन शेर है ये? झड़पर झड़पर चिंगा पुंगार में गन्नम फानी ब्रो। अच्छा अच्छा, ये लोग चिंगा पुंगार जाकर ढेर जने रहे तो बच गए, नहीं तो इनका ही खाई जाती, दो तीन जने रहे ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन लोगों के द्वारा बकरिया को उठा के घर ढील लिया गया है। और इसी गन्ने के पास आइए, वो घटना स्थल दिखाने का प्रयास करते हैं जहाँ पे ये बकरिया चर रही थी और उसके बाद में यहाँ पे टाइगर, जब ग्रामीणों के घरों के पास जब टाइगर आ रहे हैं तो यहाँ पे देखने वाली ये स्थिति है कि किस तरह से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इनके घर के पास जो गन्ना है और इधर यहाँ की घटना है जहाँ पे हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये वो घटना स्थल है जहाँ पे ये बकरिया चर रही थी, वो हम दिखाने का प्रयास करते हैं। और टाइगर मात्र घर से 20 मीटर दूरी पे ये टाइगर गन्ने से निकलता है, लेकिन यहाँ पे देखने वाली ये स्थिति है कि ये वो घटना स्थल है, हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। इसी के पास में बकरिया चर रही थी और आए दिन ये वन विभाग के जो आला अधिकारी हैं इनकी लापरवाही आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ग्रामीणों को, लगातार ग्रामीणों के घरों में घुस रहे हैं टाइगर और बाघ। लेकिन यहाँ पे देखने वाली ये स्थिति है कि वन विभाग की द्वारा जो यहाँ पे सुरक्षाएँ होनी चाहिए वो इन लोगों को, ग्रामीणों को सुविधा नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पे लगातार प्रशासन ग्रामीणों की सुविधा के लिए कोई ना कोई नए नियम लागू करते हैं, लेकिन वन विभाग के आला अधिकारियों का, और भी ग्रामीण हैं जो
आज ही बाघ को कुछ दिन पहले ही यहाँ पे बाघ को देखा गया, तो उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो बाघ को देखा गया वो कौन सा बाघ है और यहाँ पे ग्रामीणों की क्या समस्या है। पहले तो वो नाम बताओ। हम महात्म सिंह। अच्छा, ये बताओ कब आपने बाघ को देखा? हम जो है परसों जो है जब निकले हैं, आए हैं अपने झाला के पड़ोस, तो जो है वह जो है बच्चा, मतलब एक बच्चा इतना बड़ा, अच्छा, और वह इतना बड़ा, दोनों आदमी हमारे आगे से जब दोनों एक कूदे हैं बाघ, तो हम पछे लिए। अच्छा अच्छा। फिर गुरुचंद के झाला हुई के तब घर आए। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार ये इनका मात्र यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे एक झाला बना हुआ है। वहीं से जब ये आ रहे थे तभी अचानक रोड क्रॉस करता हुआ इनको मिला बाघ। और हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं जिन्होंने बाघ को देखा, उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। पहले नाम बताओ। हम सियाराम। अच्छा, ये बताओ बाघ कब देखा आपने? यहाँ 3-4 दिन पहले यहीं पर मिला था। अच्छा अच्छा। हाँ। कौन वाला है बाघ? बड़ा वाला। बड़ा वाला, अच्छा। फिर आप लोगों ने क्या किया उसको? हम लोग आपको सूचना दी? हम लोग वन विभाग का सूचना कोई नहीं दिए। हम लोग शाम के यहाँ हल्ला उल्ला मचाए, यहाँ कई लोग देखिन रास्ता चलाते वाले बैठे देखिन उका, फिर हम लोग हल्ला बहुत मचाए न, तो गन्नम घुस गो। अच्छा, तो आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। एक महोदय जी हैं यहाँ पे, वो भी उपस्थित हैं क्योंकि वो रात के समय यहाँ पे लेटरिन करने आए हुए थे और उनको जब टाइगर दिखा तो वो हो सकता है वो सोच कर भी हों या ना कर भी हों, तो उनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। पहले नाम बताओ। हमारा नाम धर्मेश कुमार। अच्छा, ये बताओ आप कहाँ सोच करने आए थे? हम ये इधर खंभा के पास में आए थे। अच्छा अच्छा। तो यहीं पे बैठे थे रोड के बाजू में ही। अच्छा अच्छा। तो हमको दिखाई पड़ा तो रोड से इस गन्ने को क्रॉस कर रहा था। अच्छा, अच्छा। तो क्रॉस किया हमने देखा तो उसी टाइम हम तुरंत भाग गए, तो उस तरफ जिधर को क्रॉस किया उस टाइम भागे तो हमको डर लगा अगर इधर जाएंगे तो लंबा पड़ेगा, हमको खींचेगा, तो हम उसी तरफ को तुरंत भाग गए। उसके बाद में हम घर चले गए, घर बताया जाके उसके बाद में सफाई कर्मी में है एक भाई साहब प्रजापुरवा के, वो बाद में बाइक से आए हमारे पीछे से, तो उनका वहीं पे बैठा हुआ दिखाई पड़ा। तो हमारे साथ यहाँ पे सफाई कर्मी महोदय हैं, उनसे भी हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि आई तो इन्होंने बाघ को कब देखा था और ये कहाँ पे देखा था। पहले नाम बता दो। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। अच्छा अच्छा। और मैं प्रत्येक दिन यहीं से निकलता हूँ, शाम को 7 भी बज जाता है, 8 भी बज जाता है, प्रत्येक दिन का मेरा आना जाना, मैं ड्यूटी करता हूँ पलिया ब्लॉक में। अच्छा अच्छा। और ये परसों की बात है, शाम को वही 6:30-7 बजा था और यहाँ से हम बाइक से निकल रहे थे तो यहीं पर हम पड़ोस में आ गए हैं तो यहीं पर बैठा हुआ था। अच्छा, वो बबर से रहे। अच्छा अच्छा। तो हमने यहाँ पर अब गाड़ी भी नहीं रोक सकते थे एकदम से, अगर रोकते तो खतरा हो सकता था, तो हम गाड़ी आगे बढ़ा करके आगे गए हैं। वहाँ पर लोगों को हमने देखा तो उनको हमने बताया तो वो लोग आए हैं, जब शोर सपाटा मचाए हैं तो इधर को गन्ने में घुस गया है। हाँ, और प्रत्येक दिन का मेरा खुद यहाँ पर आना जाना रहता है, कई बार हमको मिल चुका है यहाँ पर, एक बार वहाँ मुझे के पास मिला हमको है, गोविंदापुर को जो रास्ता जाता है वहाँ पर भी मिल चुका है एक बार। कोई कार्य नहीं करता है। अभी चंदन सिंह के झाला पे उसके भाई को तोड़ा था तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हाँ आए थे। अच्छा। वो कुछ नहीं बताए। और हम जिला प्रशासन से और वन विभाग की टीम से आग्रह करते हैं कि इसकी रोकथाम के लिए अपना इंतजाम करें, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है, प्रत्येक दिन हर समय बच्चे निकलते हैं, ग्रामीण लोग भी निकलते हैं, खेतों में काम करते हैं, उनको रात बिरात भी हो जाती है, देर हो जाती है, और बहुत काफ़ी लोग निकलते हैं, तो इसलिए हम वन विभाग टीम से आग्रह करते हैं, जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि यहाँ के जो ये शेर घूम रहे हैं इनको पकड़वाने की कृपा करें और इसका इंतजाम करें। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कई ग्रामीण और यहाँ पे जो सफाई कर्मी भाई थे, ये इन लोगों का डेली का आना जाना इसी रोड से रहता है। थोड़ा और ले लो। तो हमारे साथ और भी, हमारे घर से बच्चे जाते हैं 6-7 जो है भूपुरवा प्राइमरी स्कूल में, और जब वहाँ पहुँचते हैं तो हम लोगों को इतनी संसा रहती है कि अपने आप लेकर जाते हैं, लेकर आते हैं तब भी डर लगी रहती है, बच्चे कहते हैं पढ़ने नहीं आएंगे। अच्छा अच्छा। वो कहते हैं हम नहीं पढ़ने जाएंगे, वहाँ बाघ बैठा है, वहाँ बबर शेर बैठा है, तो इसको जो है मतलब संज्ञान में ली जाए, हमारी गवर्नमेंट कम से कम संज्ञान में ले। आज के तारीख में जो है बच्चे अभी तो जो है बकरियाँ खा गई, जानवर खा गए, कुत्ते खा गए, आज खतरा है कि आदमी को निकलना उठना बैठना मुश्किल है। बिल्कुल। हाँ, तो आप लगातार बने रहिए, हम आपको पल पल की खबरें दिखाने का प्रयास करते रहेंगे।